कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं टेरेस पर हूँ और बारिश अभी हो चुकी है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है एंड बारिश में मंकी भी आए थे, सबके सब भींग करके आए थे, सबको बारिश में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सब लोग भींग करके आए थे। और मतलब एक छोटा वाला मंकी तो मुझसे पहले ही विंडो पे पहुंच गया, मेरे को आवाज़ लगाने लगा था, फिर मैं ऊपर गई थी उसके लिए रोटी लेने। सो लेट्स गो एंड सी द वीडियो। आप लोग मौसम देख सकते हैं, क्लाउड्स कितने 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 ब्लैक हो रहे हैं, कितना डार्क होता जा रहा है। मेरे को बारिश का मौसम बड़ा प्यारा लगता है। देखिए और देखो यहाँ एकदम ब्राइट है, यहाँ एकदम ब्राइट है, इधर से एकदम डार्क हो रहा है। हमें किसी के पास भी अगर इंद्रदेव जी का नंबर है या फिर कांटेक्ट होता है तो प्लीज उनसे कहिए कि वो बारिश करा दे। बादल सारे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं लेकिन बारिश इतनी सी भी ना हो रही है, प्लीज उनसे कहिए कि वो बारिश करें, इतनी बूंद टपका दे मैं तो नहीं बहुत खुश हो जाऊंगी। प्लीज उनसे कहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे किसने प्रेयर किया। ओके okay? हेयर्स देखो कितने सोने लग रहे हैं ये लोग, मतलब बारिश हो रही तो ये लोग भींग के आए हैं। यार तुमने तो नोटी बोली फिनिश कर दी क्यों? तेरे बिना ही नटे मेरा हाथ ले जाने का इरादा है क्या तेरा? ले गुजू 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 ले ले, तुम्हें मैंने टच नहीं कर पाया आज। सारे दिन बारिश हुई थी, मम्मा ने शाम को चाय और ये बनाने के लिए रख दिया था। मैं ये बता रही हूँ कि इतने सीख चुके हैं और इतने बचे हुए हैं और यहाँ चाय बन रही है, साथ में ये चिप्स सीखे जा रहे थे। मतलब पूरे दिन बारिश हुई थी, बीच में हल्की सी रुक गई थी, फिर ड्रिजलिंग होने लगी थी, फिर मतलब इसीलिए मम्मा ने कहा चलो चाय बना ले रहे हैं क्योंकि ऐसे मौसम में चाय और चिप्स खाने का मज़ा ही अलग होता है। सो आप लोग भी इंजॉय करिए, हम तो फिर कर ही रहे हैं इंजॉय। मेरे को कच्चे खाने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये नुकसान होते हैं इसलिए मम्मा मेरे को खाने ही नहीं देती, अभी तो मैंने खा लिया। फिर ये मम्मा चाय ले रही थी, मतलब भाई के लिए था ये, वो अब चल तो पाता नहीं, अभी उसकी थोड़ी बहुत सही हो गई है लेकिन फिर भी मैं उसको देने जाता हूँ। तो फिर ये भाई के लिए लगाया था, पहले उसको ही देने जा रही थी मैं, वो तो आराम से उसको क्या, वो आराम से लेटा था। उसने अभी थोड़ा सा उसकी बैंडेज नहीं बट उसने हैंकी लगा लिया था और मैं आपको बिहार का व्यू दिखा रही हूँ कि कितना। सो गाइस फिर आपने देखा कि मंकी के बाल कैसे भींगे हुए थे और मम्मा ने चिप्स बनाए थे और चाय बनाई थी। बारिश में चाय और चिप्स खाने का मज़ा ही अलग होता है। सो गाइस जैसे आप भी इंजॉय करिए एंड बारिश में मंकी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए वो यहाँ पर आए थे कि कुछ आशा लेकर के आए थे कि हमें यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। और मैंने खाने को दिया भी था उनको, एक रोटी दी थी मैंने खाने को, सबको दी थी मैंने हाफ हाफ करके, दो रोटियाँ थी सबको मैंने हाफ हाफ करके दी थी। मतलब अभी जो मतलब इधर मंकी आते हैं वो तो आपने देखा होगा नोटिस होगा कि मंकी सेम आते हैं, छोटे छोटे वाले मंकी एकदम सेम आते हैं, वो आ जाते हैं टाइम पे एकदम से, फिर जब यहाँ कंप्लीट है फिर और कहीं चले जाते हैं खाने के लिए। सो गाइस ऐसे ही आप भी मतलब बारिश में एंजॉय करती रहिए, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।